में बात करने जा रहे हैं कि दो एरे को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो हमने हेडिंग डाल ली है NumPy joining array, और हम लोग एक और हेडिंग डाल रहे हैं join two array। चलिए बात करते हैं कि कैसे हम लोग दो एरे को कैसे आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारे फंक्शन होता है concatenate फंक्शन होता है जो क्या करता है, दो एरे को क्या करता है, ज्वाइन आपस में ज्वाइन करता है। एक फंक्शन लिख लेते हैं, हेडिंग डालते हैं हम एक और हेडिंग, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं उसका भी नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं, कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग टू जॉइन टू एरे। ठीक, तो चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट NumPy as np, हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया। हम लोग एक एरे बनाएंगे, एक एरे हम लोग क्रिएट करेंगे, पर सबसे पहले np डॉट एरे, और इसमें हम लोग क्या बोले वैल्यू पुट करते हैं 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू पुट कर दी। और एक और एरे क्रिएट किया हम लोगों ने एरे टू नाम से, और np डॉट एरे इसमें हम लोग ने वैल्यू पास कर दी 5, 6, 7, 8। हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, एक न्यू वेरिएबल लेंगे $ और np डॉट कॉनकेटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कॉनकेटिनेट लिखेंगे np जो हमारे क्या np डॉट कॉनकेटिनेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग कॉनकेटिनेट नाम डालेंगे और दोनों एरे के नाम डालेंगे। दोनों एरे क्या था, पहला एरे क्या था हमारा एरे वन और एरे टू, तो हम लोग एरे वन और कॉमा एरे टू का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट किसको करेंगे, एरे को इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारा दो एरे थे उसको हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन का नेम है, कॉनकेटिनेट। ठीक, कॉनकेटिनेट में हम लोग ने दोनों एरे के वैल्यू एरे को वेरिएबल पास कर दिए और हम लोग ने प्रिंट करा दिया। ठीक, तो हमारा ये ज्वाइन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, दो 2D एरे को ज्वाइन करेंगे आपस में। ठीक, और कौन सा एक्सेस उसको भी दे देंगे, एक्सेस कैसे, वन एक्सेस पे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सॉरी इसकी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहीं पे हम लोग चेंज कर देंगे इसमें। सेम नीचे कर लेते हैं, ये हमारा क्या हुआ 2D एरे बन गया। और अब क्या करेंगे, इसमें एक न्यू वेरिएबल लेंगे एरे नाम का np डॉट कॉनकेटिनेट करेंगे, कॉनकेटिनेट, और दोनों एरे पास कर देंगे एरे वन कॉमा एरे टू। और इसमें क्या पास करेंगे हम लोग, एक्सेस पास करेंगे। एक्सेस पास करने के लिए हम लोग कॉमा लगाएंगे और एक्सेस डालेंगे, एक्सेस कितना, कौन सा एक्सेस पे, हम लोग वन एक्सेस पे। तो हम लोग उसको आप क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट में हम लोग एरे को पास कर देंगे और ये देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाना भूल गए, कॉमा लगाएंगे और ये एक और वार्निंग आ गया। ये देखो, ये हम लोग ने कॉमा लगा दिया, ये देखिए हमारे हम लोगों ने कॉनकेटिनेट कर दिया और जो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1, 2, 5, 6 आ गया और 3, 7, 8 आ गया। हम लोगों ने क्या किया, एक्सेस डिफाइन कर दी थी पहले, ऑलरेडी एक्सेस क्या डिफाइन कर दी थी हमने 1। हम लोगों ने क्या किया, 2D एरे क्या किया, जॉइन टू 2D एरे अलोंग एरो, रो के हम लोग अकॉर्डिंग हम लोग ने दो 2D एरे को जॉइन किया विद द एक्सेस ऑफ 1। हम लोग ने एक्सेस भी डिफाइन किया, ये हमारा एक्सेस है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, एरे को ज्वाइन करेंगे विथ कौन सा फंक्शन, स्टैक फंक्शन के थ्रू हम लोग दो एरे को ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग ने हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइनिंग एरे यूजिंग स्टैक फंक्शन। स्टैक फंक्शन के थ्रू हम लोग दो एरे को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एरे वन को क्रिएट कर लेते हैं एनपी डॉट एरे, और यहाँ पे 1, 2, 3 और एरे टू क्रिएट कर लेंगे हम लोग np डॉट एरे कॉमा 4, 5, 6। ये हम लोग ने क्या किया, एरे क्रिएट कर लिया। हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल लेंगे
यहाँ पे हम लोग स्टैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, एनपी डॉट स्टैक। पहले हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग दो एरे को ऐड कर रहे थे तो हम लोग कॉन्केटनेट का फंक्शन लगाते थे यहाँ पे, बट हम लोग यहाँ पे किसी थ्रू कर रहे हैं, स्टैक के थ्रू कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टैक लिखेंगे। स्टैक लिखने के बाद हम लोग दोनों वेरिएबल के नेम पास कर देंगे, एरे वन और एरे टू। इसको अब क्या करेंगे हम लोग प्रिंट में क्या कर देंगे, प्रिंट में जो हम लोग वेरिएबल जिसमें हम लोग ने ये स्टोर किया था एरे, एरे को हम लोग यहाँ पे प्रिंट में डाल देंगे और इसको एंटर कर देंगे हम लोग, ये हमारा आउटपुट रन ओवर आ गया। अब बट हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं, क्या करें, एक्सेस वन के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेस डिफाइन कर लेंगे, एक्सेस और एक्सेस हम लोग क्या है वन। अब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा एक्सेस में आ गया, वन एक्सेस में है, ठीक। हम लोग ने इसको पास कर लिया तो हमारा आउटपुट क्या आया, 1.4। फिर वन आया इसका, पहले वन एरे का, एरे वन का वन आ गया, एरे टू का फोर आया, फिर एरे वन का टू आया और एरे टू का क्या फाइव आया, फिर थ्री आया, फिर सिक्स आया। हमारा आउटपुट है यूजिंग स्टैक फंक्शन के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को यूज करेंगे विद अलोंग विद रो का। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एच स्टैक का इस्तेमाल करेंगे। एक हमारा फंक्शन है एच स्टैक, तो हम लोग एक फंक्शन लगाते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग क्या है, स्टैकिंग अलोंग रो। और एक और हेडिंग डालते हैं जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एच स्टैक फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, एक अब क्या करेंगे, एरे करेक्टर। हम लोग क्या करेंगे, यही एरे को हम लोग उठा लेंगे, सेम एडिस से हम लोग इस पूरा उठाते हैं, इसमें इसी में ही हम लोग चेंजेस कर देंगे। स्टैक की जगह लिख देंगे हम लोग एच स्टैक और हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेस को रिमूव कर देंगे, एक्सेस को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या हो गया, सारा जो दोनों एरे के थे एक ही रो में आ गए, एक ही इसमें आ गया। ये हमारा रो की तरह, अगर हम लोग ये रो के लिए किया हम लोग, अगर हम सिर्फ कॉलम के लिए करेंगे तो इसी को कॉपी करते हैं यहाँ, पहले हेडिंग डालते हैं कॉलम के लिए, कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वी डाल देंगे, वी स्टैक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो हम लोग इसी को पेश करते हैं और यहाँ पे एच की जगह, एच स्टैक की जगह हम लोग वी स्टैक डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं। तो हमारा क्या गया, कॉलम के वाइज हम लोग ने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग हाइट के साथ मतलब डेप्थ के हिसाब से करना हो तो क्या करेंगे, स्टैक अलोंग मार्क डाउन लग गया, इसमें पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, स्टैकिंग अलोंग हाइट, हाइट में हम लोग क्या मतलब डेप्थ। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसका नाम डाल देते हैं यहीं पे। जब डेप्थ की बात आए, डेप्थ की बात कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, डी स्टैक की बात करेंगे। तो डी स्टैक हम लोग ने हेडिंग डाल दी और क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसी जो हम लोग ने कॉपी किया था इसको हम लोग यहाँ पेश कर देते हैं। सबसे चेंज क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का नेम चेंज करना, फंक्शन का नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी स्टैक हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, डी स्टैक करेंगे तो हमारा आउटपुट इसमें आ गया, 1.4 आ गया, 2.5 आ गया, 3.6 आ गया, 1.4 और 2.5 और 3.6, ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो ये हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने स्टैक को यूज किया अलोंग विथ हाइट। तो हाइट के लिए फंक्शन इस्तेमाल किया डी स्टैक।